तो 9.2 की बात करने वाले हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, जिस तरह 9.1 थी सेम 2 है, दोनों बहुत ईजी है। इस चैप्टर में 9.3 डिलीट हो चुकी है, उसे हटा देंगे। 4, 5 और 6, इस 2 के बाद हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, 4, 5 और 6 बैक टू बैक करने वाले हैं। तो 9.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ो। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज द सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। समझते हैं, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। y इज इक्वल टू की पावर x प्लस 1, देखो यहाँ पर मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, चेक करो, ठीक है। मुझे ये बताना है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, बस इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर ये है तो वही हमें चेक करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई गिवन फंक्शन इज अ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देखिए कैसे जज करेंगे समझना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यहाँ पर मुझे किसकी फॉर्म में चाहिए, वाई की पावर 2 वाई पे 1, तो इसे मैं लिख दूँ वाई डैश, है ना, ठीक है। एक बार डेरिवेटिव किया, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, और 1 का 0, y डैश इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। आता समझ में आ गया, कोई डाउट, अगेन डेरिवेटिव। अब अगेन डेरिवेटिव क्यों करना पड़ा मुझे, हाँ तो अगेन डिफरेंशिएशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे डबल डैश चाहिए। इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, वाई पर डबल डैश माई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स की जगह क्या मैं वाई डैश लिख सकता हूँ, चेक करो, क्यों, क्योंकि इक्वल है, लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, चेक करो। तो ये वाला पार्ट LHS और ये वाला पार्ट RHS, दोनों इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे, LHS इज इक्वल टू RHS, मुझे यही तो लेके आना था। तो मैं अब कह सकता हूँ कि जो ये है y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है बेटा, एक कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन है, याद रहेगा, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान देना, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा मुझे y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, हाँ जी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा y डैश 2x, ठीक है। क्यों, पावर आ गई एक पावर कम, मैंने क्या बताया आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए, अभी तक के लिए तो इस एक्सरसाइज में सारा खेल डिफरेंशिएशन का ही है, लेकिन जब 3 जो कट चुकी है हटा दो, 4 पे जाओगे, 5th पे जाओगे, 6th पे जाओगे, तो आपको क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ के इंटीग्रेशन का आएगा 2x प्लस, यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन बताओ, 2 का 2 रहेगा और x का 1, c इज अ कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन 0, तो y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2, कोई डाउट यहाँ तक, हाँ जी, इन दोनों को उठा के चल ले आओ फिर, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, चेक करो, ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। थर्ड क्वेश्चन पे चलो, थर्ड दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y डैश प्लस इज इक्वल टू 0, देखो y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स माइनस, और सी का इसको उठा के इधर ले जाओ, y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, चेक करो, यही लेके आना था, कोई डाउट तीनों क्वेश्चन में, इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला क्वेश्चन फोर्थ, ध्यान देना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश देखो अगर मैं रूट का डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, पहले रूट में पावर आ गई एक पावर कम, है ना, तो 1/2 आ गई और एक पावर कम, और अब करूँगा बेस का डेरिवेटिव, 1 का तो 0 प्लस
टू एक्स, वन बाय टू। ये बताओ मैंने सही लिखा है गलत लिखा है यहाँ तक, कोई डाउट हो तो बताओ। क्योंकि पावर नेगेटिव थी, मैं उसे अपॉन में ले गया तो पावर पॉजिटिव हो गई, और वन बाय टू का मतलब क्या होता है रूट, मैंने रूट में लिख दिया। टू से टू कैंसिल, वाई डैश तो मुझे मिल गया, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन में अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। रैशनलाइज इसका कर दो, रैशनलाइज एक्स मल्टीप्लाई, देखो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं वाई, तो ये तो हो गया एक्स वाई, और यहाँ पर क्या लिख देंगे वन प्लस एक्स का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? किस जगह ये वन बाई टू कैसे आया ये, हाँ। ये कैसे आया जैसे आपने ऊपर पावर समझो ना, देखो इसका मतलब क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू, तो पावर आगे एक पावर कम, जब एक पावर कम करोगे वन बाय टू माइनस वन तो क्या आएगा माइनस वन बाय टू ही तो आएगा। ये जो वन बाय टू ऊपर दिख रहा है ना पहले उसे आगे लेके आते हैं फिर एक पावर कम करते हैं वन कम करते हैं और इसी में से, तो वन बाय टू में से वन कम करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन बाय टू आ जाएगा। अब कोई डाउट यहाँ तक पक्का? ये समझा नीचे कैसे आया, देखो रूट से रूट कट गया तो क्या बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वाई इज इक्वल टू ए एक्स, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू, देखो ए का ए कॉन्स्टेंट है एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन, वाई डैश इज इक्वल टू ए। अब हमें चाहिए क्या दिस, क्या पॉसिबल है अभी निकालना? एक काम करो वाई डैश इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे चेक करो, देखो y इज इक्वल टू ए एक्स है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन में x, है ना। अगर y इज इक्वल टू ए एक्स गिवन है तो a की वैल्यू जो x इंटू में था अपॉन में चला गया y अपॉन में x आ गया, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो इसको दर भेज दो, हो गया प्रूफ। और आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे, इसका एलएसएस पहले टेक करते, x की वैल्यू कि x की जगह x रहने देते और y डैश की जगह क्या लिख देते a, तो एक्स वाई ये बन गया ए एक्स और ए एक्स इज इक्वल टू क्या है y, कोई दिक्कत? तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे एक स्टेप उस तरीके से कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आया सबको? क्वेश्चन नंबर सिक्स पे ध्यान देना, x साइन x हमें चाहिए एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y प्लस एक्स अंडर रूट y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो गया y डैश। यहाँ पर क्या लगने वाला है चेक करो, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, पहला वाला सेम, सेकंड का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और साइन एक्स का साइन एक्स ही रहेगा, हाँ है ना, सेकेंड वाला सेम पहले का डेरिवेटिव, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये क्या आ गया है वाई डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे वाई डैश मिल गया यहाँ पर, ठीक है, और अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर लिखा है एक्स वाई डैश, ठीक है, दिस वाई डैश मिल गया सर, टेक एलएचएस सिंगल डेरिवेटिव यहाँ पर, देखो एलएचएस टेक करो एक्स वाई डैश। अब मुझे लग रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बस डिफरेंशिएशन के बाद मुझे लग नहीं पा रहा लॉजिक लगेगा, तो मैंने वहीं छोड़ दिया, और मैंने क्या टेक कर लिया इसका एलएचएस, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा एलएचएस। तो एक्स की जगह आप एक काम करो एक्स रहने दो, और y डैश की जगह लिख दो दिस x cos x प्लस साइन x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर cos x x साइन x, ठीक है, कोई डाउट आता है? RHS टेक करो y प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर माइनस y की जगह वाली y स्क्वायर लिख लो पहले, तो आप y की वैल्यू पुट कर दो
एक्स साइन एक्स प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि वाई का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई। देखो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाहर आ गया, और देखो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स रूट में है तो यहाँ पर क्या आएगा कॉस एक्स। अब ये एक्स एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस, चेक करो कि ये नहीं था, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। आप क्या कह सकते हो एल एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, कोई डाउट है? तो जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे सॉल्व किया फिर इसको उधर ले जाओ उधर ले जाओ सेम ऐसे ही आ जाएगा, ऐसा कई बार नहीं होगा। आप इसका एल एच एस टेक कर लो, वैल्यू पुट कर दो, जो आंसर आ गया उसे वहीं छोड़ दो, फिर आर एच एस टेक करो, फिर आर एच एस को सॉल्व करके लाओ, देखना 100% एल एच एस आर एच एस के इक्वल आएगा ही आएगा। इसे नोट करूँ, सेवन्थ में लिखा है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वन माइनस एक्स वाई। तो यहाँ तो लगने वाला प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, क्यों, दो वेरिएबल दो फंक्शन देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो क्या लगाते हैं हम, प्रोडक्ट रूल की बात करेंगे। तो पहला वाला सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वाला सेम पहले का डेरिवेटिव, लॉग वाई का वन बाय वाई, देखो लॉग वाई का वन बाय वाई, आपने क्या किया इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब मैं वाई का करूँगा तो क्या आ जाएगा, हाँ है ना, कोई डाउट आता है नहीं है, ये वाई जो अपॉन में दिख रहा है इनटू में भेज दो तो ये बन जाएगा एक्स वाई वाई डैश, और जब इसके इनटू में जाएगा तो वाई स्क्वायर और वाई डैश, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लग रहा है क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व हुआ हमारा, एक नज़र मार लूँ मैं दोबारा, देखो वाई डैश अपॉन में वाई, ठीक है वाई इनटू में गया तो एक्स वाई, कुछ कॉमन है यहाँ पर, वाई कॉमन ले लो, नहीं एक काम करो अभी रुको थोड़ी शांति रहो, इसको ढाके कर ले जाओ वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैं इस वाले टर्म को ढाके इधर ले गया तो मैंने देखा वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश और इज इक्वल टू में क्या बच गया केवल वाई स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या है वाई स्क्वायर, वाई डैश कॉमन ले लिया वाई डैश कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा वन माइनस, और ये जो मल्टीप्लाई में दिख रहा है उसे कहाँ भेज दूंगा, क्या ये प्रूफ पढ़ना था, ठीक है ना, बस जैसे मर्जी कपो सॉल्व करके लेके आना है, ठीक है ध्यान देना है बस, प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर एट्थ, वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे लिखा है वाई साइन वाई कॉस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट बंद वाई डैश इज इक्वल टू वाई, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट बंद वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है वाई माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ जी वाई डैश, कॉस वाई का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस साइन वाई और वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई डैश, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन। अब इसे काम करो y डैश कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, हाँ जी वन अपॉन में वन प्लस साइन वाई। एल एच एस इसका ही इस वाले पार्ट को टेक कर लो, y साइन y cos y प्लस x, देखो x की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, हाँ जी क्या वैल्यू x की जगह y माइनस cos y, और इंटू में y डैश की जगह क्या लिख सकते हैं दिस वन अपॉन में वन प्लस साइन वाई, कॉस वाई से कॉस वाई कट जाएगा वाई कॉमन ले लो क्या बचेगा अंदर वन प्लस साइन वाई, और इंटू में वन प्लस साइन वाई यहाँ भी तो लिखा हुआ है सेम वन अपॉन में वन प्लस साइन वाई, हाँ जी चेक करो ये लेके आना था, हाँ है ना वही तो आ रहा है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, इसे नोट करूँ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, यहाँ पे गिवन है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो एक्स का डेरिवेटिव वन, वाई का वाई डैश और टेन इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा वन अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर, पहले तो ये लिख दिया ठीक है, लेकिन वाई के साथ में जो दिख रहा है करेंगे तो क्या आएगा उसका डेरिवेटिव वाई डैश, यहाँ पर क्या बच गया वन प्लस वाई डैश, यहाँ पे है वाई डैश अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर, और हमें लेके क्या आना है वाई स्क्वायर, एक काम करो इनको मल्टी में भेज दो वन प्लस वाई डैश मल्टी में वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश, वन को वन से करेंगे वन, वन को वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, यहाँ वाई डैश यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू वाई डैश ठीक है। हाँ जी कट सकता है ये, दोनों तरफ पॉजिटिव में है, क्या बचेगा वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, चेक करो ये लेके आना था। क्वेश्चन नंबर टेंथ, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पर करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई डैश, देखो रूट का मतलब क्या है वन बाई टू, वन बाई पावर आगे एक पावर कम, बेसा करेंगे तो ए स्क्वायर पर जीरो माइनस ए स्क्वायर पर जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा टू एक्स, तो ये वन अपॉन में टू अंडर रूट जैसा बताया था अभी एक क्वेश्चन हमने और पहले वही बात हमने यहाँ पर लॉगिक दी है। ये मुझे देखो वाई डैश मत लिखो इस बार, डी और डी एक्स लिखो, तो जैसा आंसर चाहिए होता है वैसी फॉर्म में लिखो, मुझे इस बार डी और डी एक्स की फॉर्म में चाहिए ना, मैंने वही लिख दिया, अगर वाई डैश की फॉर्म में चाहिए होता तो वाई डैश लिखता, कोई डाउट यहाँ तक, तो मुझे मिल गया डी वाई बाई डी एक्स तो मिल चुका है, ये जो डिवाइड वाला है इनटू में भेज दो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस का प्लस एक्स हो जाएगा एक्स प्लस, और इसकी जगह क्या लिख देंगे चलो एक स्टेप लिख लो और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ तो समझ आया कोई डाउट, ये माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स हो गया, अब एक्स प्लस इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं वाई, कोई डाउट यहाँ तक इसे नोट करूँ। तो क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ठीक है, और वो कुछ भी हो सकती है हमें नहीं पता, जिसमें ऑर्डर क्या गिवन है बच्चों फोर, और आपके पास एक बात और गिवन है जनरल सॉल्यूशन की बात और रखी है, तो देखो जनरल सॉल्यूशन को मैं इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, एक आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू फोर, और ऑप्शन नंबर किस पे टिक करोगे डी पे। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, देखो जैसे दिख जाए पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझ जाना नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितने हो जाएंगे जीरो, तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर लो, इसे कॉपी करो समझ में।